Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. All right guys, welcome back to Techno Motors. भाई क्या ही प्यारा लगता है यार अपना शोरूम देखने में, फुल लग्जरी. मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है लंबोर्गिनी वालों का ऑफिशियल शोरूम यही है. हाँ वो बात अलग है कि अपना गरीबी में बहुत आटा गीला, इतना बड़ा शोरूम बना दिया पर गाड़ी एक भी नहीं खड़ी है. हाँ इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास इस टाइम 5,30,000 डॉलर्स है. और इससे पैसे मैंने इसलिए इकट्ठे कर रखे हैं क्योंकि मुझे कोई तगड़ी गाड़ी खरीदनी है सीधा अभी. तो चलो भाई ज्यादा देरी नहीं, फटाफट से गाड़ी को हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं और लेकर चलते हैं कार मार्केट प्लेस. देखो आज सीन क्या है ना, मार्केट प्लेस ओपन है, वहाँ पर तगड़ी तगड़ी कार्स आती है, कभी कभी लैम्बोर्गिनी फरारी, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे निसान जीटीआर डॉज वाइपर ऐसी रेयर कार आने वाली है. तो एक बार चक्कर काट के आते हैं क्योंकि बिजनेस तो करना ही है, पैसा कमाना ही है, कोई ना कोई गाड़ी तो लेकर आऊंगा ना. चलो भाई बूस्टर मारते हैं, फटाफट से लेकर चलते हैं कार मार्केट प्लेस. ठीक है अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कार मार्केट प्लेस. ओ भाई वेट, लेट्स गो. एक गाड़ी मुझे दिख गई है भाई, मेरा दिल खुश हो गया आज सच्ची में, ऐसे मजा आ गया भाई, मजा आ गया. ये देखो फर्स्ट गाड़ी है मस्टैंग, कोई बात नहीं सस्ती गाड़ी अपने पास खड़ी हुई है, फिर भी रेट पता कर लेते हैं. मस्टैंग ही दे रहा है 36% डैमेज कार है पहली बात तो, और ये बेच रहा है 48,000, इजीली खरीद लूंगा. तो चलो एक गाड़ी हो गई. पीछे देखो भाई ऑडी R8 कितने की मैम, 4 लाख से कम की तो नहीं होगी भाई. ये देखो 4,60,000. बाकी पीछे एक फरारी है, फरारी कितने की है भाई, 2,20,000. भाई क्यों ना मैं ऑडी R8 खरीदूं और उसके बाद एक फरारी भी खरीद लूं. एक काम करते हैं जल्दी जल्दी गाड़ियां खरीदते हैं और इन्हें मैं बेच दूंगा, उसके बाद सब गाड़ी ले रहा हूं. टाइम वेस्ट नहीं आज मुझे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां लेनी है. बट यार ये गाड़ी 50% डैमेज है तब भी 4,50,000 डॉलर की. मैम आप एक काम करो, ज्यादा दिमाग की धैर्य, 4,60,000 डॉलर में आप एक गाड़ी देना पसंद करोगी प्लीज? 1,00,000 डॉलर गिरा दिए मैंने सीधा. ओके नहीं बेच रही है, ज्यादा ही कम हो गया. 3,90,000 पे आता हूँ मैं, शायद अब दे देगी, ये दे देगी. मिल गई भाई गाड़ी, समझ लो लेट्स गो. गाड़ी हमें मिल चुकी है ऑडी R8. भाई ज्यादा टाइम पास नहीं, गाड़ी को मैं फटाफट से ना रिपेयर होने के लिए भेज देता हूँ. मैं चला के नहीं जाने वाला भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना. तो ऑडी R8 मैंने ले लिया, यहाँ पे एक फरारी खड़ी है. फरारी मुझे तो नहीं लगता ये भाई साहब जी बेचने वाले हैं, 2,26,000 की ये बोल रहा है और मेरे पास 1,40,000 में देगा भाई. वैसे तो नहीं बेचेगा बट फिर भी ऑफर कर देते हैं, क्या पता देते. ओके नहीं दे रहा, ठीक है तो मुझे थोड़ा सा और पैसा कमा कर आना चाहिए, उसके बाद मैं गाड़ी अफोर्ड कर पाऊंगा. फिलहाल के लिए मस्टैंग ले लेता हूँ यहाँ से. 36% डैमेज है ना, टाइम पास नहीं भाई, जल्दी बेच. तो मुझे दे दे 34,000 की प्लीज, नहीं इतनी सस्ती नहीं करेगा भाई. 38,000 की दे दे यार, देख 10,000 डॉलर तो कम होने चाहिए ना कभी कभी प्लीज. ओके नहीं कर रहा यार, बदतमीज है. 42 की दे दे यार, 6,000 डॉलर कम नहीं करे ना भाई, गाड़ी चढ़ा दूंगा लाके अभी तेरे ऊपर. यस मिल गई भाई मस्टैंग, ये भी रिपेयर होने के लिए भेज देते हैं. लेट्स गो. दो गाड़ियां मैंने खरीद लिया, दोनों रिपेयर होने चली गई है. फटाफट से अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं बाकी गाड़ियां रिपेयर कराने. सीन क्या है ना, आज ही मुझे लगे फरारी भी खरीदनी है बट आई थिंक टाइम बचेगा नहीं, 4:30 बज चुके हैं भाई. मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग और गाड़ियां खरीद पाएंगे, फिलहाल जो गाड़ियां लेकर आए हैं इन्हीं पे काम करवाते हैं. तो अपने पास हमने एक मस्टैंग खरीदी थी, ये रिपेयर पे लगवा देता हूँ मैं फटाफट से. सेकंड कार मैंने खरीदी थी ऑडी R8, इसको भी रिपेयर पे लगवा देते हैं. भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा. वैसे एक सेकंड, मेरे पास एक मस्त आइडिया है कि हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, फिर मैं जाके वो फरारी भी ले लूंगा. बट यार बैंक ना मुझे लोन दे नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों. ये देखो मैं यहाँ पे गया वेब पेज, उसके बाद आर्य बैंक और यहाँ पे गया, ये देखो यू हैव अनपेड बिल्स और लोन्स, पे ऑफ योर डेब्ट्स टू गेट अ लोन. ठीक है मैंने लोन लेना है तो मुझे पहले की पेमेंट करनी पड़ेगी. मैं बिल्स पे ये लो भाई पैसा, पे कर दिया, लाओ लोन दो. ये देंगे ही नहीं देखना अभी भी, बदतमीज आदमी. पैसा ही नहीं देना तो खोला क्यों है बैंक. यार एक काम करता हूँ, पहले तो ना फटाफट से चल के मैं ऑफिस ओपन कर देता हूँ क्योंकि आज मुझे लगता नहीं है कोई कस्टमर वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं. मस्टैंग है अपने पास, इसे ले जाके अंदर पार्क कर देता हूँ भाई फटाफट से. इसे ही बेच देते लगे यार, अगर कुछ आ नहीं रहा तो इसी को बेच के निकालो भाई. वैसे तो यार गाड़ी कितने की बिक जाएगी, ज्यादा महंगी नहीं जाती मस्टैंग. वेब पेज पे चल के इसे डाल देते बेचने के लिए. मस्टैंग जो कि मैं लेकर आया था 33,000 डॉलर की, इसको मैं डालता हूँ 80,000 डॉलर का. लेट्स गो. 6:30 बज चुके हैं और ऑडी अभी भी रिपेयर पे लगी हुई है. वैसे तो पहले इस गाड़ी को मैं टो करवा देता हूँ शोरूम के पास, वो गाड़ी वहाँ पे चली गई है. हाँ मैं कह रहा था R8 को लेकर चलते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाते हैं. लेट्स गो भाई, इंजन कर दिया चालू, पीछे लाते गाड़ी को. अरे यार कौन आया हुआ है भाई, हटाए इसको, हटाओ यार सस्ती गाड़ी किसकी है. लेट्स गो, अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर मस्त मॉडिफिकेशन लगवाने करवाने वाले हैं. अंजी भाई साहब, सबसे पहले ड्रिफ्ट किट इसके अंदर डली हुई है, मुझे ड्रिफ्ट किट नहीं रेसिंग किट चाहिए. टर्बो चाहिए, NOS नहीं डल सकता, टर्बो है. सस्पेंशन भाई ऑलरेडी
फुल डाउन रखे, मैं चाहूँ तो ऐसे उठा सकता हूँ गाड़ी को इतना ऊपर, जो कि बहुत ही गंदी लग रही है। फुल डाउन करा देते हैं, व्हील चेंज करवाते हैं भाई गाड़ी के अंदर, व्हील से ही तो मजा आएगा। अरे बिना थोड़े से पतले वाले सूट करेंगे बहुत भाई, ये क्या दिख रहे हैं। वैसे डिपेंड करता है व्हील की, मैं गाड़ी का कलर क्या कराने वाला हूँ। यार रात हो गई, चलो ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं मुझे ना। यार ये वाली व्हील प्रॉपर ड्रैग रेस वाले है ना, इसको करवा दूंगा अपडेट। ये देखो, अबे नहीं यार, ये जो व्हील मैंने लगाया ना ड्रैग रेस में नहीं, ये वाले व्हील ड्रिफ्टिंग में चलते हैं। यार अभी ना गाड़ी में कोई पेंट भी नहीं करेगा, मुझे अभी कल ही आना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आज गाड़ी पे मैं ज्यादा मॉडिफिकेशन तो करवा नहीं पाया। अभी सामने कस्टमर आ रखे हैं, उनको गाड़ी बेच देता हूँ और फटाफट से चलता हूँ सोने के लिए। कल दोबारा से आएंगे अपने शोरूम में, थोड़ा बहुत और काम है हमें। हाँ जी सर, आप गाड़ी लेने आए हो मस्टांग $80,000 की, आप 49 लेने के लिए रेडी हो? ठीक है, मैं दूसरे बंदे से भी पता कर लेता हूँ। हेलो आंटी, 49 की वो खरीद रहा है तो सोच समझ के बात करना। 48, घर जाओ, घर जाओ फटाफट। हाँ जी सर, 80,000 की मैं बेचना चाहता हूँ, 49 की आप लेने आए हो तो एक काम करो, 58 दो और काम खत्म करो। इतना तो उठाऊंगा भाई प्राइस, अभी मुझे पता है 56 में बिक जाएगी तो 56 डाल देते हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी बेचनी यार, अभी ज्यादा सोचना नहीं है। डबल ट्रिपल चेक, लेट्स गो। बंदे ने गाड़ी खरीद ली। ओ भाई ये क्या डेंजर दिखी यार पीछे घूम के, अचानक से फुल ब्लैक ब्यूटी। चलो 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 भाई लेट्स गो, अभी मैं गाड़ी भगा कर जाने वाला हूँ अपने घर पे। यार गाड़ी में मजा नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्यों भाई, ड्रिफ्ट तो अच्छी मार रही है बट मजा नहीं आ रहा भाई गाड़ी में, नहीं आ रहा मजा भाई सच्ची। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी कमजोर गाड़ी है। जो भाई ओए बच गई, अभी कल ही रिपेयर करवाइए भाई। वैसे गाइस आज एक मस्त चीज है, आज है ऑक्शन डे जो कि 4 बजे होने वाला है। लेट्स गो भाई, मैं रेडी हूँ उस ऑक्शन डे के लिए। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ऑक्शन से मुझे कोई ना कोई तगड़ी गाड़ी तो जरूर खरीदने को मिल जाएगी। वैसे एक सेकंड, लेफ्ट में यहाँ पर एक और मस्टैंग बिक रही है, समझ नहीं आ रहा लूं या फिर एक काम करते हैं खरीद लेते हैं। यार मस्टैंग पता नहीं कोई ऐसी गाड़ी है भाई, अट्रैक्ट कर ही लेती है अपनी तरफ भाई। $41,000 की बेच रही है $36,000 की, जल्दी से लेके शोरूम पे भिजवा देते क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी डील मिली है मुझे। चलो भाई गाड़ी को सीधा भेजो तो करवा के शोरूम के बाहर बेच दूंगा यार, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा। लेट्स गो, वापस से बैठते हैं भाई इस ऑडी में। और आज मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूं भाई ऑक्शन के लिए। 12 बजे ऑक्शन चालू होने वाला है अगले 4 घंटे बाद। बाय चांस मतलब किसी भी तरीके से अगर वहां पे कोई तगड़ी गाड़ी मुझे मिल गई तो भाई अपने बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि अपने पास पैसा बहुत सारा है। मतलब पैसा तो $74,000 है बट ये गाड़ी को मैं 6 लाख तक की बेच सकता हूं। यानी अगर निसान GTR डॉज वाइपर कोई भी तगड़ी गाड़ी ऑक्शन में आती है तो मैं खरीद लूंगा। फिलहाल यहां पे मुझे एक और मस्टैंग मिल गई है, आप 30% में जाए तो सर आप मुझे ना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करके $29,000 की बेच दो, मैं रिपेयर करा के आगे बेच दूंगा। भाई पता नहीं क्या हो गया अपने अपने पास भाई, मस्टैंग भर भर के आ रही है भाई, आज क्या बात हो गई है। लाओ भाई इसको भी शोरूम भिजवा दो, मैं रिपेयर करवा लूंगा। वैसे यार उस गाड़ी को मुझे शोरूम नहीं, मुझे रिपेयरिंग शॉप पे भिजवाना चाहिए था ना डायरेक्ट। चलो खैर ठीक है, जो भी अभी अभी बातें कम काम ज्यादा, फटाफट से मुझे गाड़ी लेके पहुंचना है भाई ऑक्शन के लिए। फिलहाल ऑक्शन के लिए बहुत सारे लोग तो आकर बैठ चुके हैं, सही ठीक ठाक भीड़ लगी है भाई, पर हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आप लोग कह सकते हो छोटा सा चीट करने वाले हैं। मैं बैक साइड से ही पता कर लूंगा कि आखिर कार ऑक्शन के लिए कौन कौन सी गाड़ियां आ रखी है। एक गाड़ी है ये स्कोडा, नेक्स्ट कार है ये कौन सी है भाई, टेस्ला वैसला है भाई कोई तो। उसके नेक्स्ट कार ये कोई सस्ती सी गाड़ी है घटिया सी, और उसके नेक्स्ट भी कोई सस्ती गाड़ी छी। नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भाई ऑक्शन से, और सारी उम्मीदों में पानी फिर गया भाई, कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं है। वैसे एक सेकंड भाई, मेरे राइट साइड में देखने एक बारी मस्टैंग का ऐसा लग रहा पूरा गैराज है, आई मीन इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मस्टैंग वालों का शोरूम है। ठीक है भाई ये गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, ये वाली गाड़ी का पैनल चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं, नहीं वेट इसका पैनल में ये गाड़ी भी ठीक है, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज है ना, यस। तो इस गाड़ी को हम लोग भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए, बाकी गाड़ियों को ना मैं पेंट करवा के बेचने के लिए लगा देता हूँ, पहले ऑडी भी पेंट करवा देते हैं। यार सच्ची में आज का दिन तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गया, मजा ही नहीं आया। इसको इसको बढ़िया सा कलर कराते हैं, इस पे ग्रीन करा देते हैं भाई, ये तो एकदम नियॉन कलर में बहुत प्यारी दिखती है, क्रेजी भाई चमक रही है भाई ये गाड़ी। तो अभी बेचने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मन कर रहा है कि इस गाड़ी को बस इसे शोरूम में खड़े करने के लिए सजाने के लिए ले लेते हैं। बट ठीक है यार अभी अपने पास इतना ज्यादा ना पैसा नहीं है कि हम लोग अभी गाड़ियों का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दें, आई मीन वो टाइम भी आएगा बट अभी वो टाइम नहीं है। चलो भाई शोरूम की शान तो बन जाएगी भाई इस गाड़ी से, लेट्स गो। खड़ी यहाँ पे मैंने कर दिया गाड़ियाँ, ये रही अपनी ऑडी, 3,90,000। मैं खाली पीली 5 लाख 5 लाख कर रहा हूँ, 3,90,000 की लाया हूँ, टोटल अगर देखा जाए तो 4 लाख की मान लो पड़ गई, तो इसका मैं प्राइस डालता हूँ $7,50,000। मुझे पता है ये इतने की नहीं जाने वाली बट स्टिल डालते हैं। एक मिनट रुको, ऐसी की तैसी हटाओ सेल से इसे, इसको मैं डालूंगा 8 लाख की। मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी होनी चाहिए ये जो कि अपने शोरूम से बिकी है। इस गाड़ी ने मूड खराब करा भाई, सबसे ज्यादा फायदा उठाना है मुझे इससे। बाकी मस्टैंग है, 3-3 मस्टैंग है भाई, पता नहीं मैं क्या करूंगा। एक मस्टैंग तो ऐसी ले आके खड़ी कर देता हूँ। चलो एक मस्टैंग होगी यहाँ पे, और एक मस्टैंग इधर खड़ी है, और एक मस्टैंग रिपेयर होने गई है। ये वाली मस्टैंग को भी लगा देते हैं बेचने के लिए, वो वाली मस्टैंग संभाल के रखता हूँ यार, सारी मस्टैंग नहीं बेचता हूँ, 3 है 2 बेच देते हैं। ओहो लेट्स गो भाई ऑडी के लिए
पहले तो कस्टमर्स आना चालू हो गए हैं अभी से ही। चलो ठीक है, अभी दोनों गंदी गंदी गाड़ियां यहाँ पे मैंने लगा के लगा दी है, वॉश होने लग जाएगी। उससे पहले मैं इसे बेचने के लिए लगा देता हूँ। वेब पेज अपने पास है, मस्टैंग 36 की लाया था $80,000 सेल। दूसरी वाली ये भी 42 की लाया था, इसे $82,000 की सेल। लेट्स गो, बिक जाएगी दोनों गाड़ियां, अच्छे से बिक जाएगी। बाकी हाँ, यस मैम, आप ये गाड़ी कितने की खरीदना चाहते हो? रेयर है, काफी इजीली मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से। भाई इस गाड़ी में जादू है, इस गाड़ी में कुछ तो बात है, क्या मुझे बेचनी नहीं चाहिए? मैं इस गाड़ी को सोच रहा था 7 लाख की चले जा, बहुत है। 7,23,000 तो उसने ऑफर कर दिया फर्स्ट कस्टमर ने। ये गाड़ी प्यार से 8 लाख की जाएगी भाई, 3-4 लाख का प्रॉफिट होगा भाई इस गाड़ी से। है 6 लाख नहीं, भाग यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसा कस्टमर क्या पता दोबारा आए ना आए, इससे थोड़ा सा बढ़ा के बेच देते हैं। 7,32,000 खुद ही बढ़ा दिया इसने, पहले इसने 23 बोला था, पता नहीं भाई। अभी इसको मैं बोलता हूँ $7,50,000 में ले जा, थोड़ा सा और $7,60,000 में ले जा भाई। बड़ी कार्स में बड़ी डील हो सकती है, मुझे $7,80,000 डालना चाहिए था। वो गाड़ी फर्स्ट कस्टमर ने ही खरीद ली भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना उस गाड़ी को लेके? ऐसे लग रहा है कुछ कोई मेरे हाथ से हीरा खरीद के ले गया। बाकी ठीक है, पैसा आ चुका है बहुत ज्यादा। गाड़ी में 4 लाख की लाया था, 7,50,000, 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ उस गाड़ी से। समझ लो मैंने जितने की लाया था उतने की बेच दी, सॉरी समझ लो मैं जितने की लाया था उसके डबल प्राइस की बेच दी मैंने। बाकी मस्टैंग भी बिक रही है 49,000 तो 56 की ले जा भाई, बात ही खत्म कर, मैं $14,000 कमा के खुश रह लूंगा। लेट्स गो, बिग गई गाड़ी। तीन कस्टमर हो चुके हैं दूसरी वाली मस्टैंग के लिए। भाई आज मैं वापस से मिलियनेयर बनने वाला हूँ गेम में। $52,000 का आया है, इसको आप ले जाओ $60,000 में फटाफट से, देरी नहीं। यस बिक गई भाई। चलो सारी गाड़ियां मैंने बेच डाली है और अभी अपने पास एक मस्टैंग खड़ी है भाई, सब बिक गया, खाली कर दिया भाई साहब। $9,20,000 पड़े हैं। अगर कोई भी अब रेयर कार आती है वो मैं ले लूंगा। फिलहाल आज तो मजा है भाई, आज का दिन मेरे को लग रहा था बहुत खराब है, बट जिस प्राइस रेट पे गाड़ी बिकी है ना दिल्ली। अरे रुको, ये तो रिपेयर ही नहीं हुई। रुको सर, इसे वापस क्या कर रहे हो भाई आप, आधा नशे में हो क्या? रिपेयर पे लगाओ इसे। चलो अब आप कलेक्शन बनाते, गाड़ी स्लो होगी तब भी नहीं बेचेंगे। अरे भाई जल्दी कर दे रिपेयर, और भी काम है हमें। अच्छा हो गई क्या? अरे मेरे सर पे मत रख। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अब ये मेरी पर्सनल कार है तो फटाफट से इसको लेके जितना मॉडिफाई हो सकता है इसे करवा देते हैं। भाई ये जिस बंदे की थी ना उसने इसमें इतने घटिया व्हील्स लगवा रखे हैं, देख रहे हो भाई पूरी गाड़ी की लुक खराब कर रखी है। मैं इससे बात करके, इसमें TCS लगवाते हैं, नाइट्रो लगवाते हैं, रेसिंग किट लगवाते हैं, सस्पेंशन फुल डाउन करवा दो भाई, फुल डाउन। और व्हील्स गाड़ी का कलर मैं येलो करवाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से व्हील्स ये वाले बहुत सही लगेंगे। चलो भाई अपडेट। चलो यार बाकी सब एकदम सॉर्टेड सीन है गाड़ी पे, बस अब एक बढ़िया सा पेंट करवाना है येलो, और उसके बाद गाड़ी भाई बहुत ही सही। अरे इस कार के स्टॉक सस्पेंशन इतने गंदे हैं क्या? बहुत ज्यादा उठी हुई गाड़ी नहीं लग रही है? जमीन से ऊपर कितनी ज्यादा है? एक सेकंड बात करके आता हूँ भाई। सस्पेंशन नीचे कर देना यार इसके। अच्छा ये देखो ना, ये करवाना है। यस डेट। चलो अभी गाड़ी सही दिख रही है। वही मैं कहूँ यार, लेके गया था सुपर कार, बाहर निकली SUV। अभी हम लोग इस गेम में मिलियनेयर तो प्यार से बन चुके हैं, हमारे पास $1,000,000 है और 2-3 गाड़ियां भी हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि $1,000,000 पैसा है तो गाड़ियां नहीं, अभी गाड़ियां भी है, पैसा भी है। ओ भाई 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 भाई, भाई ये गाड़ी से ना ड्रिफ्ट मारने में मजा आ रहा है, जबकि भी इसमें ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल भी नहीं है। चलो ठीक है, बातें शाते कम, पहुंच चुके हैं घर पे और आज की इस वाली वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने ऑडियो आर बेच के सही करा या गलत करा वो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इस वीडियो पर एम करते हैं 6,50,000 लाइक के लिए, तो जल्दी से आके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे जल्दी से जाके दबा दो।